हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी चोको लावा चॉकलेट केक, वो भी अप्पे के साँचे में। चलो देखते हैं इसके लिए क्या क्या लेना है। एक कप दही, दो छोटे कटोरी में शुगर, शक्कर जो कि पीस लेना है, पीस के इसे अच्छे से दही के साथ मिक्स करें। दो चम्मच ऑयल ऐड करना है, इसे भी मिक्स करना है। फिर दो छोटे कटोरी में मैदा, दो चम्मच बेकिंग पाउडर, एक पैकेट इनो का, इसे अच्छी तरीके से छन्नी में इस तरीके से छान लेना है। छान के फिर उसे इस तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया। जब ये मिक्स हो गया, मैंने एक कप दूध इसमें ऐड किया, एक कप मिल्क ऐड किया मैंने। फिर इसे अच्छी तरीके से इस बैटर को तैयार किया। जब बैटर मेरा तैयार हो गया, लिक्विड चॉकलेट का पैकेट मार्केट से लाया था मैंने खरीद कर, उसे ऐड किया। लिक्विड चॉकलेट आप कोई भी सा यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर बनाने के लिए चोको लावा चॉकलेट फ्लेवर का टेस्टी टेस्टी, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। फिर अप्पे के साँचे में इस तरीके से ऑयल लगा लें, पूरे अच्छी तरीके से ऑयल लगा कर फिर बैटर को इस तरीके से हाफ हाफ थोड़ा थोड़ा डालना है। फिर बीच में मैं डेरी मिल्क सिल्क या फिर नॉर्मल डेरी मिल्क, मैंने नॉर्मल डेरी मिल्क यूज़ किया, एक एक बाइट ऐसे तोड़ लेना है। फिर उसे बीच बीच में रख देना है। फिर उसके ऊपर से फिर बैटर डालूँगी अभी मैं। फिर हल्का हल्का बैटर डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल लिया मैंने। फिर कम से कम 10 मिनट तक मैं इसे गैस पे कुक करूँगी। गैस पे कुक करने के लिए रख दिया मैंने, देखते रहना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए। चोकोलावा हो गया मेरा, चोकोलावा बनके तैयार है। यमी यमी चोकोलावा चॉकलेट केक, आप भी बनाइए अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय कीजिए चोकोलावा चॉकलेट केक। बाय बाय।